सब्सक्राइब करें एस्ट्रो गुरुजी चैनल को और साइड में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नए अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में हार्दिक स्वागत है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि सुहागिन महिलाओं द्वारा किया जाने वाला करवा चौथ का व्रत, उसकी संपूर्ण विधि और किस समय और किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए, यह सारी जानकारी आज आपको हम देने जा रहे हैं। तो मित्रों, करवा चौथ सुहागिन महिलाओं का प्रमुख व्रत होता है। यह भी मान्यता है कि जो भी महिला पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करते हुए कथा पढ़ती है अथवा सुनती है, उसकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती है। तो करवा चौथ का व्रत 27 अक्टूबर 2018 के दिन है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जल व्रत धारण करें। मान्यता इससे यह है कि इस व्रत के प्रभाव से पति की आयु लंबी होती ही है। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के सभी व्रतों में बेहद खास व्रत है। इस दिन महिलाएं दिन भर भूखी प्यासी रह करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। यही कुंवारी कन्याएँ जो मनवांछित वर के लिए या होने वाले पति के लिए निर्जला व्रत रखती है और उनकी कामनाएं भी इससे पूरी होती है। तो इस दिन पूरे विधि विधान से माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर रात के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही यह व्रत संपन्न होता है या पूरा होता है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की स्त्रियों को प्राप्ति होती है। करवा चौथ का त्यौहार दीपावली से 9 दिन पहले मनाया जाता है। हमारे हिंदू कैलेंडर व पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को आता है। तो इस वर्ष भी यह 27 अक्टूबर 2018 के दिन है। तो इस दिन का शुभ मुहूर्त है 27 अक्टूबर की शाम 5:48 से 7:04 का है। इसकी अवधि है 1 घंटा 16 मिनट, तो इसमें पूजन कर लेना चाहिए। इसके पश्चात रात्रि 8:11 पर चंद्र का उदय होगा, तो चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। उसके पश्चात पति के हाथों से जल ग्रहण करना चाहिए, फिर इस व्रत की पूर्णता हो जाती है। तो करवा चौथ की तैयारी वैसे कई दिन पहले आरंभ हो जाती है। सुहागिन महिलाएँ वस्त्र गहने श्रृंगार सामान पूजा सामग्री खरीदती है। करवा चौथ वाले दिन महिलाएं सूर्योदय से सारगी खाती है। इसके बाद सुबह हाथ पैरों पर मेहंदी लगाई जाती है और पूजा की थालियों को सजाया जाता है। व्रत करने वाली आस पड़ोस की महिलाएं भी शाम ढलने से पहले किसी मंदिर या घर बगीचे में इकट्ठा होती है। यहां सभी महिलाएं एक साथ करवा चौथ की पूजा करती है, क्योंकि सामूहिक रूप से पूजन करने का फल अधिक प्राप्त होता है। तो इस दौरान गोबर और पीली मिट्टी से पार्वती जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और गौरी की पहले से मूर्ति स्थापित करके रख लिया जाता है। और विधि विधान से पूजा करने के बाद सभी महिलाएं किसी बुजुर्ग महिला से करवा चौथ की व्रत कथा सुनती हैं। तो इस दौरान सभी महिलाएं लाल वस्त्र श्रृंगार करके एक साथ पूजन करती हैं। फिर चंद्रमा के उदय होने पर उनको अर्घ दिया जाता है और पति की आरती उतारी जाती है और पति के हाथों से पानी पी करके महिलाओं के उपवास का फिर समापन हो जाता है। तो इस प्रकार इस व्रत की पूर्णता होती है। इसमें पूजन सामग्री क्या क्या रखना चाहिए, इसमें करवा चौथ से 1-2 दिन पहले ही सारी पूजन सामग्री इकट्ठा करके घर के मंदिर आदि में पूजन सामग्री इस प्रकार रखना चाहिए। मिट्टी का टोटीदार करवा, ढक्कन, पानी का लोटा, गंगाजल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम रोली, अक्षत फूल, कच्चा दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, शकर का बूरा, मेहंदी, महावार, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ और गौरी जी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पुरियों की अठवाई, हलवा और दक्षिणा आदि साथ में इस प्रकार पूजन सामग्री रखनी होती है। और करवा चौथ वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी प्रातःकाल उठ करके स्नान करें और इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें और व्रत का संकल्प लें। इस प्रकार मंत्र बोले संकल्प लेते वक्त मम सुख सौभाग्यम पुत्र पोत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त ये करक चतुर्थी व्रतम अहम करिष्ये, ऐसा हाथ में जल लेकर के उस जल को छोड़ देना चाहिए, यानी यह इस व्रत का संकल्प हो जाता है। और सूर्योदय से पहले सारगी ग्रहण करें और दिन भर निर्जल व्रत धारण करें।
दीवार पर गेरू आदि से फलक यदि आदि बनाएं। भीगे हुए चावलों को पीस करके घोल तैयार कर लें। इस घोल से फलक पर करवा का चित्र बनावें। वैसे बाजार में आजकल रेडीमेड उपलब्ध फोटो मिल जाता है, इन्हें वर कहा जाता है। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। और 8 पूरियों की अठवारी बनाएं। मीठे में हलवा खीर आदि बना सकते हैं, पकवान भी तैयार करें। अब पीली मिट्टी और गोबर की मदद से माता पार्वती जी की मूर्ति बनावें। और अब इस प्रतिमा को, इस मूर्ति को लकड़ी के आसन पर बैठाकर मेहंदी, महावार, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी और बिछवा अर्पण करना चाहिए। जल से भरा हुआ लोटा एक साथ में रखें। करवा में गेहूं, ढक्कन में शक्कर का बुरादा रखें। रोली से करवा पर स्वस्तिक यानी सांतिया बनावें। अब गौरी गणेश जी की चित्रित करवा करके उनकी पूजा करें, यानी उनके चित्र की पूजा करें। और पति की लंबी आयु की प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का भी उच्चारण अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, सर्वाणि सौभाग्यम सततिम शुभाम, प्रयच्छ भक्ति युक्ता नाम नारीणाम हरि वल्लभे। इस मंत्र का उच्चारण करने से पति की लंबी आयु होती है। और करवा पर 13 बिंदी लगावे और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर के करवा चौथ की कथा कहे या सुने, यानी कोई भी महिला इस कथा को सुना सकती है। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमा करके अपने सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद ले और करवा उन्हें दान में दे। पानी का लोटा और 13 दाने गेहूं के अलग रख लेवे। चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी की ओट से पति को देखें और चंद्रमा को अर्घ दे। चंद्रमा को अर्घ देते समय पति की लंबी आयु और जिंदगी भर उनका साथ बना रहे, ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना करें। अब पति को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले और उनके हाथ से जल पीवे। अब पति के साथ बैठ करके फिर भोजन करें। तो इस प्रकार इस व्रत का विधान है। करवा चौथ के दिन सारगी का भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं और लड़कियां सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करने के बाद सारगी खाती है। सारगी आमतौर पर खास सास तैयार करती है। सारगी में सूखे मेवे, नारियल, फल, मिठाई खाई जाती है। अगर सास नहीं है तो घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति बहू के लिए सारगी बना सकता है। जो लड़कियां शादी से पहले करवा चौथ का व्रत रख रही है, उसके ससुराल वाले एक शाम पहले उसे सारगी दे आते हैं। सारगी सुबह सूरज उगने से पहले लेना चाहिए, ताकि दिन भर उससे शरीर में ऊर्जा बनी रहे। और करवा चौथ की व्रत कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कथा सबसे अच्छी मानी गई है। इस कथा को यदि इस दिन सुना जाता है तो करवा चौथ के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी समेत उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने जवाब दिया कि भाई, अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर के भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर के अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर के उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा कि बहन, चांद निकल आया है, अर्घ दे करके भोजन कर लो। तो ऐसा सुनकर के अपने भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वे इस कांड को, इस सारी घटना को जानती थी। उन्होंने कहा कि भाई, भाई जी, अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ दे करके भोजन कर लिया। तो इस प्रकार व्रत भंग हो जाने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया। जो कुछ घर में था उसकी सारी बीमारी में लग गया था। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो पश्चाताप हुआ। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया था। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। तो इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर के उसे आरोग्य करने के बाद धन संपत्ति से युक्त कर दिया। तो इस प्रकार जो कोई छल कपट को छोड़ करके श्रद्धा भक्ति भाव से चतुर्थी का व्रत करेंगे, उन्हें सभी प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।